सुप्रभात बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग वीडियो के माध्यम से पुनः अभ्यास करेंगे पा से लेकर वा तक। तो चलिए वीडियो देखिए। शा, शा से शॉल, शा से शेर, शा से शीशा, शा से शरबत, शा से शलगम और शा से शतरंज। शा, शा से शॉल, शा से शेर, शा से शीशा, शा से शलगम, शा से शरबत, शा से शतरंज और शा से षटकोण। तो बच्चों, आज हम लोगों ने शा और शा का उच्चारण किया। अब हम लोग लिखने का भी अभ्यास करेंगे। शेर, शा से षटकोण। अब हम लोग लिखने का भी अभ्यास करेंगे। बच्चों, हमको उसी तरह से इसको लिखना है जैसे दो बनाते हैं या इंग्लिश में टू बनाते हैं। तो देखिए, इसी तरह से हमको ऐसे पहले इसको इस तरह से मोड़ के ऐसे हिंदी वाला दो लिखेंगे और इसके बगल में आकर डंडा ऐसे लगा देंगे या खड़ी डंडी और ऊपर से लेटी हुई लाइन। शाशे शेर, फिर देखिए ऐसे ऐसे इस टाइप से हमको बनाना है। शाशे शेर, आप कुछ भी बोल सकते हैं, शाह से शेर, शाह से शलगम, जो भी आपके किताब में दिया गया है। शाह से शलगम, शाह से शेर, इस तरह से हमको लिखने का अभ्यास करना है। शाह से शेर, शाशे शेर, शाशे शेर। अब शा, शाशे षटकोण। तो बच्चों, आप लोगों ने पहले पा का अभ्यास किया होगा, उसी तरह से हमको पा बनाना है। ये हम लोगों ने पा बना दिया है और अंदर से हमें ऐसे कट लिख देना है। ऐसे फिर देखिए, पा बनाया है,
और इस तरह से हम लोग इस तरह से ये लिख देंगे, डंडी खींच देंगे तिरछी, तो शा से षटकोण इस तरह से, शा से षटकोण। जब आप लोग बिजी भी प्रीसेट की डॉट वाले में पेंसिल चलाएंगे तो आपको लिखने का अभ्यास आ जाएगा। शाशे षटकोण, शाशे षटकोण, शाशे षटकोण, शाशे षटकोण। तो प्यारे बच्चों, आप हम लोगों ने आज सीखा है शाशे शलगम और शाशे षटकोण। अगले वीडियो में नए व्यंजन के साथ पुनः हम लोग मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।